Hello students, today I am going to explain you class 5 maths chapter 2, shapes and angles. This is the third part of this chapter. I hope आप लोगों ने इस chapter का first और second part कर लिया होगा. जिन students ने इसके दोनों part नहीं देखे हैं, उनके लिए मैंने उन दोनों parts के link description में दे रखे हैं. So let's start this chapter. The next topic is angle and time. अब ये कह रही है, जीनत योर वॉच डज नॉट हैव डिजिट्स, हाउ डू यू रीड टाइम. तुम्हारे वॉच में डिजिट्स नहीं है तो तुम टाइम कैसे पढ़ती हो. सो जीनत इज सेइंग, आई जस्ट रीड द एंगल. सी व्हेन द हैंड्स मेक अ राइट एंगल आई नो इट इज 9 o'clock. मैं एंगल्स को देखती हूँ वॉच के हैंड्स में. देखो, जब वॉच के हैंड्स में 9 o'clock बजता है, दैट मीन्स वहाँ पे राइट एंगल होता है. उसे देखकर मैं समझ जाती हूँ कि 9 o'clock बजे हैं. अब आपको क्या करना है, देयर आर मैनी टाइम्स इन अ डे व्हेन द हैंड्स ऑफ क्लॉक मेक अ राइट एंगल. दिन में कैसे बहुत सारे टाइम होते हैं जब क्लॉक के हैंड्स राइट एंगल बनाते हैं. आपको उनमें से कुछ ड्रॉ करने. ये ब्लैंक घड़ियाँ हैं, वॉच है, इनमें डिजिट्स लिखे हुए हैं, हैंड्स नहीं है. आपको हैंड्स ऐसे ड्रॉ करना है कि 90 degree का एंगल बने, दैट मीन्स राइट एंगल बने. तो चलिए हम बनाते हैं इसे. इस तरह से बना है, ये 8 o'clock है, ये 9:30 है, इट इज 12:15. इन सब टाइम्स में 90 degree का एंगल यानी कि राइट एंगल बनता है. अब आपको क्या करना है, राइट वॉट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय हैंड एट दिस टाइम, आल्सो राइट द टाइम. यहाँ पर कुछ वॉच दी हुई है आपको, उनको देखकर आपको क्या करना है, आपको इस पे एंगल्स बनाने हैं हैंड से कि वो राइट एंगल से कम हो, और फिर आपको उसका टाइम भी लिखना है. तो देखिए यहाँ पे कितना है, 7:25, और ये कैसा है, एक्यूट एंगल है, दैट मीन्स इट इज अ लेस देन अ राइट एंगल. नेक्स्ट वॉच इज दिस 8:15, इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, लेस देन अ राइट एंगल. आप इसके एंगल्स को देखिए, 90 degree से अधिक स्पेस है, इसलिए ये कैसा है, मोर देन अ राइट एंगल है. नेक्स्ट वॉच इज दिस 9:10. अब इसके एंगल्स को देखिए, राइट एंगल से अधिक है, तो कैसा होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, मोर देन अ राइट एंगल. आप ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल, ये सब का डेफिनेशन एंगल वाले वीडियो में आप देख सकते हैं. उसका लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. सो नेक्स्ट वॉच इज दिस इज 9:25 कैसा एंगल है, 9:25 है ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल से ज्यादा स्पेस है, और ऑब्ट्यूज एंगल होता है मोर देन अ राइट एंगल. नेक्स्ट वॉच इज दिस इज 10 o'clock, और यह एक्यूट एंगल है, क्योंकि आप देखिए राइट एंगल से कम स्पेस है, सो यू कैन राइट दिस लेस देन अ राइट एंगल. अब आपको क्या करना है, आपको क्लॉक के हैंड्स ड्रॉ करने हैं जो कि आपके लेस देन अ राइट एंगल हो, और आपको टाइम ही लिखना है. तो चलिए हम लिखते हैं. हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ये वाला ड्रॉ किया है, ये टाइम है आपका 11:45. अब दूसरा हमें ड्रॉ करना है इसे, और ये टाइम आपका कितना हो गया, 1:15 से थोड़ा नीचे है, ये हो गया 1:16. अब हमें इस पे ड्रॉ करना है. मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे कैसे ड्रॉ करेंगे. चलिए हम इस पे 8:50 ड्रॉ करते हैं. 8:50 ड्रा करने के लिए आपको जो और वाला क्वार्टर है वो 9 से थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा, इस तरह से, और मिनट्स वाला कांटा कहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, 10 पे. तो ये आपका हो जाएगा 8:50. ओके, नाउ यू कैन राइट द टाइम. सो डिग्री क्लॉक, अब हम डिग्री क्लॉक के बारे में देखेंगे. अप्पू एंड किट्टू आर प्लेइंग कैरम बोर्ड. अप्पू हिट द स्ट्राइकर, हम इट कम्स बैक एट द सेम एंगल. अब ये सोचता है कि ये सेम एंगल में ही वापस आता है, तो ऐसे स्ट्राइक करें यह सबसे ज्यादा स्क्वायर बनाए. तो आप देखिए,
आगे क्या होता है, इन द पिक्चर थ्री पॉइंट्स ए बी सी आर शोन, ड्रा लाइन टू शो फ्रॉम विच पॉइंट किट्टू शुड हिट द एंगल। अब आपको लाइन ड्रा करनी है जिस पॉइंट पे किट्टू को एंगल हिट करना है, तो ये आप करिए। इफ यू वॉन्ट यू कैन मेजर द एंगल इन डिग्री यूजिंग डिग्री क्लॉक, डिग्री इज रिटन एज डिग्री, डिग्री को इस तरह से शो करते हैं, जिसे हम आगे करके देखेंगे। अब हम तो सबसे पहले देखते हैं, इसे करने के लिए हमें डिग्री क्लॉक अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम डिग्री क्लॉक देखते हैं, फिर से हम सॉल्व करेंगे। यू हैव एन एक्टिविटी फॉर मेकिंग अ डिग्री क्लॉक। फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको पेपर सर्कल कट करना है सर्कल के शेप में, और उसे फिर इस तरह से हाफ फोल्ड करना है, और इसे फिर से फोल्ड करना है इस तरह से, और एक बार और फोल्ड करना है, और फिर पेपर को ओपन करना है, तो इस तरह से पेपर में कुछ लाइंस आ जाएगी। अब इन लाइंस को यहाँ पर 0 डिग्री, 45, 90, 180 डिग्री इस तरह से आप इसे शो करें। और फिर क्या करना है, पेस्ट इट ऑन ओल्ड कार्ड। अब एक पुराने कार्ड में से पेस्ट कर दीजिए। फ्रॉम द सेंटर ड्रा वन हैंड, अब सेंटर में एक हैंड ड्रा कर लीजिए, ओके। मार्क अ रेड हैंड विथ थिक पेपर एंड फिक्स इट टू द सेंटर। अब रेड हैंड थिक पेपर से करिए आप ड्रॉ, और उसे सेंटर में इस तरह से पेस्ट कर दीजिए, और किससे करेंगे, ड्राइंग पिन से, सो दैट इट इज फ्री फॉर मूव। अब ये क्या हो जाएगा, मूव करने के लिए फ्री हो जाएगा। अब आपका डिग्री क्लॉक रेडी हो गया। अब आप अपना डिग्री क्लॉक को यूज कर सकते हैं राइट एंगल को मेजर करने के लिए अपने पेंसिल बॉक्स को, तो चलिए आप देखते हैं। इज द मेजर ऑफ राइट एंगल, तो राइट एंगल का मेजरमेंट क्या है बताइए, राइट एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, राइट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, राइट एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। सो यू कैन राइट द 90 डिग्री इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हम 90 डिग्री लिख लेते हैं, 90 डिग्री, ओके। लिखा हुआ है 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। अब आपके लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, यू कैन मार्क देम 1, 2 एंड 3। सो फर्स्ट इज 1/2 ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल का हाफ क्या होता है, चलिए इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। राइट एंगल का हाफ क्या होता है, राइट एंगल का हाफ होता है आपको 90 का हाफ निकालना है, 90 का हाफ मीन्स आपको 90 में 2 का डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा, 45। तो चलिए हम 90 में 2 का डिवाइड करके देखते हैं कि कितना आता है, यहाँ पे तो लिखा है 45, पर इसे हम करके देखते हैं, 90 डिवाइडेड बाय 2, सो आपको 2 का टेबल तो आता ही होगा, 2 4 जा कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 4 जा 8, यहाँ पे क्या बच गया, आपने 9 में से 8 को माइनस किया तो 1, और ये 0 आप लिख लीजिए, 2 5 जा 10 होता है, 2 5 जा क्या हो गया, 10। तो दैट मीन्स आपने 90 में 2 का डिवाइड किया तो 45 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 90 का हाफ कितना होता है, 45 डिग्री। तो चलिए इसे हम आंसर में लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 45 डिग्री, ओके। अब हम निकालते हैं 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, राइट एंगल का 1/3 अब हमें निकालना है, तो चलिए हम इसे करके देख। 1/3 ऑफ अ राइट एंगल क्या होगा, आपको 90 का जैसे हमने 1/2 निकाला है, हाफ निकाला है, वैसे ही हमें 1/3 निकालना है, तो इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। वी नो दैट द राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो 1/3 ऑफ अ राइट एंगल इज 1/3 इनटू 90, आपको 90 में 3 का डिवाइड करना है, तो चलिए हम 90 में 3 का डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है, 90 डिवाइडेड बाय 3, सो स्टूडेंट्स 3 3 जा कितना होता है, 3 3 जा होता है आपका 9, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये आपका आया 0। इसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि 0 है तो हमने डिवाइड नहीं करना,
जीरो हम इसे जीरो करेंगे, कितने टाइम जाएगा जीरो में, जीरो टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 30। सो वन थर्ड ऑफ 90 डिग्री 30 डिग्री। चलिए इसे हम आंसर में लिख लेते हैं। वन थर्ड ऑफ राइट एंगल कितना मिल गया हमें, वन थर्ड ऑफ राइट एंगल मिल गया हमें 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30 डिग्री। अब हमें निकालना है टू टाइम्स ऑफ अ राइट एंगल, राइट एंगल का टू टाइम्स क्या होता है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं फिर हम आंसर लिखें। अब देखिए, वी नो दैट राइट एंगल का वैल्यू कितना होता है 90, तो 90 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 20 जो 0 और 29 जो 80, तो ये आ गया आपका 180 डिग्री। जिसे हम आंसर में लिख लेते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, 180 डिग्री। ओके, तो हमने लिख लिया। मेजर द एंगल फ्रॉम वेयर किट्टू शुड हिट द स्ट्राइकर ऑन पेज 30। अब आपको एंगल मेजर करना है जहां से किट्टू स्ट्राइकर को हिट करेगा पेज नंबर 30 पर। अब हमने डिग्री क्लॉक देख लिया है तो अब हमें वो काम करना है, तो चलिए हम करके देखते हैं। तो हमें ये देखना है कि कितने एंगल से वह कौन से पॉइंट से स्ट्राइक करे, किसे क्रीम मिले। तो अभी हमने क्या देखा था कि ये सोच रहा था कि जिस पॉइंट से हम स्ट्राइक करते हैं वो सेम एंगल से जाता है, तो हमें एंगल सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंगल हम डिग्री क्लॉक से मेजर करते हैं, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 30 डिग्री का। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर भी 30 डिग्री बनाना पड़ेगा इस टाइप से। ओके, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री आप बना लीजिए। यहाँ से आपको, यहाँ से मुझसे सीधी लाइन नहीं बनेगी, इससे आप स्केल के हेल्प से सीधी लाइन बना लीजिएगा ऐसे, और ये आपका लाइन ड्रा हो जाएगा। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज आल्सो एन एक्टिविटी, एंगल्स इन अ पेपर एरोप्लेन। आप पेपर एरोप्लेन बनाते हैं उस पे एंगल्स बनते हैं, तो आप सब लोगों ने पेपर एरोप्लेन जरूर बनाया होगा, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि पेपर एरोप्लेन कैसे बनाते हैं। तो आपको स्क्वायर शेप पेपर लेना है इस तरह से, और उसे हाफ फोल्ड करना है और ओपन करना है। फिर उसके बाद कॉर्नर से आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे मोड़ना है और यहाँ से इधर, ये इस तरह से बन जाएगा। और फिर आपको ये जो ग्रीन ट्रायंगल मिला हुआ है, आपको इसको नीचे के साइड मोड़ दीजिए इस तरह से। फिर यहाँ से आप इस तरह से क्या करेंगे, फोल्ड द टॉप टू कॉर्नर्स ऑफ दिस रेक्टेंगल अलोंग द डॉटेड लाइन। आपको जो डॉटेड लाइन मिली थी वहां से आपको टॉप टू कॉर्नर को फिर से फोल्ड करना है। फिर आपको आगे क्या करना है वो देखते हैं। योर पेपर विल लुक लाइक दिस, अब आपका पेपर इस तरह से दिखने लगेगा। देयर इज अ स्मॉल ट्राइंगल इन द पिक्चर विच हैज टू बी फोल्डेड अप। अब यहाँ पर एक स्मॉल ट्राइंगल मिल गया है पिक्चर में जिसे अप फोल्ड करना है। टर्न इट ओवर एंड फोल्ड इट इन हाफ अलोंग द डॉटेड लाइन। अब इसे ऊपर करना है और फिर इसे क्या करना है, फिर से डॉटेड लाइन जो बन रही है आपको उससे हाफ फोल्ड कर लेना है इस तरह से। फिर इसके बाद जब आप कर लेंगे फोल्ड तो वो इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, नाउ टू मेक विंग्स फोल्ड द येलो एज ओवर द रेड एज। अब येलो एज को रेड एज के ऊपर ऐसे करना है तो इस तरह से बन जाएगा। टर्न इट एंड डू द सेम ऑन द अदर साइड एज वेल। फिर टर्न करना है और फिर दूसरे साइड के लिए भी करना है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो एक्टिविटी करके बताऊंगी आपको, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। योर प्लेन इज रेडी टू फ्लाई, हाउ वेल डज इट फ्लाई। अब देखिए कितनी अच्छे से फ्लाई करता है। फाइंड द एंगल्स ऑफ 45 एंड 90 डिग्री। आपको 45 और 90 डिग्री का एंगल इसे फाइंड करना है जब आप अपना पेपर प्लेन खोलते हैं। चलिए अब हम अगले स्टेप की ओर आते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल विथ योगा, योगा से एंगल। तो आप देखिए, रहमत इज डूइंग योगा, रहमत योगा करता है। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट आसन्स ही डज एवरी डे। यह पिक्चर्स है अलग अलग आसन की
जो वह रोज करता है। अब आपको करना क्या है, मेजर एज मैनी एंगल्स एज यू कैन मेड बाय डिफरेंट पार्ट्स। अब डिफरेंट पार्ट्स में जो आप बनाते हैं वो एंगल्स आपको मेजर करना है ऑफ द बॉडी व्हाइल डूइंग आसन, जब आप आसन करते हैं। तो चलिए हम इसे करते हैं। हमने यहाँ पे 4 आसन हैं, इनमें हमें पहले एंगल्स बताने हैं कि कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं एंगल्स बिटवीन द बॉडी, ये एंगल किसके बीच में बन रहा है, ये बन रहा है थाई और एब्डोमेन के बीच में, ये बन रहा है 90 डिग्री का। सेकेंड वाला किसके बीच में बन रहा है, थाई और एब्डोमेन के बीच में बन रहा है, यह लेस देन है 90 डिग्री से। थर्ड वन बन रहा है आर्म्स एंड हैंड के बीच में, ये 90 डिग्री से अधिक है, सो यू कैन राइट मोर देन 90 डिग्री। नेक्स्ट बन रहा है आपका थाई और लेग के बीच में, तो ये बन रहा है आपका 90 डिग्री से अधिक। ये देखिए थाई और लेग के बीच में किस तरह से बन रहा है, 90 डिग्री से अधिक बन रहा है। सो आपके लिए अब डी गेम है, चलिए देखते हैं कि क्या है ये डी गेम। You can play the D game with your friends. You draw an angle. Your friend will guess the measurement of that angle. Then you use your D to measure it. आपने जो बनाया है एंगल मेजरमेंट करने के लिए एंगल क्लॉक, उसको आपको यूज करना है उनके द्वारा बनाए गए एंगल्स को मेजर करने के लिए। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंगल एंड द गेस योर फ्रेंड इज 4, ठीक है वो लिखना है आपको। और फिर द वन विथ लोवेस्ट स्कोर विल बी द विनर, और जिसका बिल्कुल कम होगा डिफरेंस वह जीत जाएगा। तो चलिए हम इसे करके देखते हैं। यहाँ पर आपको एंगल ड्रा करना है, आपको अपने फ्रेंड को बोलना है गेस करने के लिए, फिर उसे आप नजर करिए और उसका स्कोर देखना है कि दो स्कोर मीन्स क्या होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके तो एक हम करके देख लेते हैं। चलिए हम एक एंगल यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ मैंने 90 डिग्री का एंगल 90 जैसा दिखने वाला एंगल ड्रा कर लिया। अब फ्रेंड ने गेस किया कि ये कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। ओके और इसका मेजरमेंट मान लो हो गया 91 डिग्री, क्योंकि लाइन तो स्ट्रेट है नहीं एकदम से, ये हो गया 91 डिग्री हो गया। इस डिफरेंस कितना आया दोनों के बीच में, 1, तो स्कोर कितना हो गया 1। अब मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया इस तरह से, ठीक है मैंने इसका मेजर, मैं सिर्फ गेस कर रही हूँ, मैं यहाँ मेजरमेंट नहीं कर रही हूँ, आप अपने डी से इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके मैंने गेस किया कि इसका मेजरमेंट है 130, ठीक है और एक्चुअल में इसका मेजरमेंट कितना है, 130 ना होकर इसका मेजरमेंट हो गया 135। तो इसका क्या हो जाएगा स्कोर, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 135 में से 130 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो मेरे जिस फ्रेंड ने ये गेस किया था कि 90 है और एक्चुअल मेजरमेंट 90 बनाया था, उसका स्कोर बना 1, मतलब डिफरेंस वो बहुत ज़्यादा क्लोज है रियल मेजरमेंट के। और मैंने गेस किया है 130 और एक्चुअल मेजर है 135, तो मैं उससे थोड़ा सा दूर हूँ। तो विनर कौन सा होगा, जिसने 90 गेस किया था, मेरा एक फ्रेंड। सो इस तरह से आप ये गेम खेल सकते हैं। तो यू कैन फाइंड दिस डी इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, और आपको ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी मिल जाएगा, और इससे भी आप अपने एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप वीडियो को अच्छी तरह से देखकर समझिए, और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है वो स्पेशली टॉपिक आप मुझे लिखकर बताइए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। वैसे एक्टिविटीज़ के लिए मैं एक एक करके सेपरेट वीडियो बना रही हूँ, तो उसे आप देखते रहिए और करते रहिए। क्वेश्चन आंसर आप अच्छी तरह से कर लीजिए, क्वेश्चन ब्लू पेन से लिखिए, आंसर क्वेश्चन आपको ब्लैक से लिखना है, आंसर आपको ब्लू से लिखना है, और आपको वीडियोस देखते रहना है। सो आपका चैप्टर 2 आज फिनिश हो गया है, आप इसे अच्छी तरह से कर लीजिए। हैव अ नाइस डे।